उसके बाद हमने जो पिछले वीडियो में हमने निकाला था वॉल्यूम के बारे में, ये कंक्रीट वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, उसके बेस पे हम थंब रूल के बारे में जानेंगे कि थंब रूल हमारा होता है लिंटल के लिए और लिंटल स्लैब के लिए निकाला जाता है 0.72% ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम। तो इसे में पूरा डिटेल के साथ सीखेंगे, कैसे एग्जांपल के साथ सीखेंगे कैसे हम निकालते हैं साइड पे अप्रोक्सीमेट स्टील क्वांटिटी स्लैब कॉलम बीम के लिए। तो ये थंब रूल है, पहले इस थंब रूल को देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा बीम, तो बीम में निकालते हैं 1 से 2% तक, हमारा ये 1.0 से 2.0% तक निकालते हैं कंक्रीट वॉल्यूम का, आपका इतना वजन आता है आपका अप्रोक्सीमेट स्टील क्वांटिटी। उसके बाद हमारा थर्ड, तो कॉलम है, तो कॉलम में निकालते हैं 0.1% से 5% तक, फाउंडेशन में निकालते हैं 0.5 से 0.8% तक। तो यहाँ पे हमने जैसा कि निकाला था कॉलम लिंटल स्लैब बीम स्लैब, उसके बाद हम जान लेते हैं एग्जांपल के साथ में। सबसे पहला एग्जांपल है लिंटल, तो लिंटल में हमने निकाला था वॉल्यूम, तो 0.43 क्यूबिक फीट, तो 4 इंच हमने जो निकाला था इसकी वॉल्यूम निकाली थी, तो 0.43 क्यूबिक फीट है। तो इसका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम इस तरह से हम निकालेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट इसकी जो क्वांटिटी आ रही है बहुत ही कम आ रही है, तो इस बेस पे हम साइड पे एज पर डिटेल के साथ निकालेंगे, एज पर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे हम उसको निकालेंगे। उसके बाद हमारा कॉलम है, तो कॉलम में हम कैसे निकालेंगे, कॉलम में हमने कंक्रीट की वॉल्यूम निकाली थी 8.68 क्यूबिक फीट। तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल के साथ सीखेंगे, एक तो एज पर साइड और एज पर थंब रूल। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम में निकाला था 8.68 क्यूबिक फीट, या फिर हमने निकाला 4 कॉलम, हमारे पास अप्रोक्सीमेट है 4 कॉलम, तो 4 कॉलम में कितने निकलेगी वॉल्यूम, तो यहाँ पे 8.68 कितना है, 1 कॉलम की वॉल्यूम है इतना क्यूबिक फीट, इसको भाग कर लेना 35.3147 से, ये आपकी क्यूबिक फीट है, क्यूबिक फीट में हमने बदला क्यूबिक मीटर में अंदर, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है क्यूबिक मीटर, क्योंकि हमारे पास जो थंब रूल है क्यूबिक मीटर के अंदर है, तो 0.98 मीटर क्यूब, तो 0.98 मीटर क्यूब इनटू 1.0 हमने लिया है इसमें अप्रोक्सीमेट 1%, तो हमने थंब रूल में सीखा था 1% से हम 2% तक हम इसमें लेते हैं कॉलम के लिए, 1% से 5% तक, तो इसमें 1% से 5% तक हम इसमें लेते हो, तो ये आपका डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ स्टील जो आपकी स्टील होता है 1850 kg होता है पर मीटर क्यूब। तो ये तो आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ स्टील, तो ये तो आपका वॉल्यूम निकल जाता है 1% आपका इसमें वॉल्यूम आएगी कंक्रीट, इतनी आपकी कंक्रीट वॉल्यूम है और इसमें आपका ये स्टील की वॉल्यूम है 1%, तो कितना हुआ टोटल वॉल्यूम का, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको केजी के अंदर, तो अब आपने किया 1850 kg को कन्वर्ट किया है, तो टोटल अप्रोक्सीमेट 77 kg आ जाता है। उस पर थोड़ा उसके अंदर थोड़ा जान लेते हैं कॉलम में, यहाँ पे हमारा 77 आया है, तो यहाँ पे इसमें कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास कॉलम की हाइट है 11.5 फीट, तो एक कॉलम में हम ले रहे हैं 6 लेंथ, अप्रोक्सीमेट आप 6 लेंथ ही लेते हो, और डाया ऑफ दी बार हमारे पास है 12 mm का डाया है, तो हमारे पास अब गुना कर लेते हैं 4 कितने हैं कॉलम है और 6 हमारे पास नंबर ऑफ बार है, 6 सरिया है, और 11.5 हमारे पास लेंथ ऑफ 1 बार, एक बार की लंबाई है 11.5 फीट, तो हम तीनों को गुना कर लेते हैं तो 276 फीट आ जाता है। तो ये RFT मैंने क्यों लिया कि RFT लिखते हैं रनिंग फीट में, तो अगर SQ लिखते हैं तो स्क्वायर फीट लिखते हैं, CU लिखते हैं तो क्यूबिक फीट लिखते हैं, तो RFT लिखते हैं तो रनिंग फीट लिखते हैं, तो रनिंग फीट को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर क्योंकि हमारे पास मीटर में है, तो यहाँ पे 84 मीटर हो गया, तो उसको सिंपल भाग कर लेते हैं 3.28 से, तो आपका रनिंग फीट में निकल गया जाता है, इसे इसको भाग कर लेंगे तो 84 मीटर। तो वेट आप निकालना है, तो वेट निकालने के लिए फार्मूला है आपके पास, तो 12/12 / 62, d² / 162 होता है, इनटू 84 होता है, तो जब हम दोनों गुना कर लेते हैं, गुना भाग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 74 kg आ गया है, तो हमारे स्टील की क्वांटिटी आ गई है। उसके बाद हम निकालते हैं स्ट्रफ की क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पे सबसे कम लेकर चले थे 1%, तो 1% वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे आपका कॉलम आपका बेसिक ले जाता है, जैसे कि आपके 9 इंची / 9 इंची, तो यहाँ पे आप 1.5% ले सकते हो, तो आपके स्ट्रप की क्वांटिटी भी इसमें निकल जाती है, तो अप्रोक्सीमेट आपने यहाँ पे इतना निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास 77 kg था और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 74 kg, तो ये अप्रोक्सीमेट निकालते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा पास बीम है, तो बीम में हमारे पास 9 क्यूबिक हमारे पास बीम था, लंबाई थी हमारे पास लंबाई वाली बीम की थी 9 क्यूबिक फीट है, और चौड़ाई वाली हमारे पास लंबाई और चौड़ाई तो 12 और 10, तो चौड़ाई हमारे पास 10 × 9 तो कितना होता है 6.37 क्यूबिक फीट। तो हमारे पास कंक्रीट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं यहाँ पे,
तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्योंकि आप निकाले स्टील क्वांटिटी, तो स्टील क्वांटिटी निकाल कर तब टोटल वॉल्यूम आपको चाहिए होती है। तो इसमें हम निकाल लेते हैं बीम में, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास 9 + 6.37, तो हमारे पास क्या वन साइड का आ जाता है, जैसे कि आपके ये स्क्वायर में है तो ये वाली हमने निकाल ली और ये वाली निकाल ली। तो जब हम दोनों की निकालते हैं इंटू टू कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वाली भी आ जाएगी ये वाली भी, मतलब इसमें से हाफ बीम की हमने निकाल ली है और इंटू टू कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाती है बीम में, तो क्योंकि हम चार बीम डालते हैं चारों साइड से, तो 0.87 मीटर क्यूब आ जाता है। तो क्यूबिक मीटर में बदलेंगे तो दो से गुना कर लेना इसको, इसको CFT फीट क्यूब में आपको बदलना है मीटर क्यूब में, तो इससे इसको भाग करेंगे तो हमारे पास 0.87 मीटर क्यूब आ जाता है। तो हमने लिया है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1%, तो यहाँ पे बीम के लिए आप लेते हो 1% से आपका 2% तक आप बीम के अंदर लेते हो। तो ये हमने इसमें कैलकुलेशन किया, ये आपका कितना हुआ स्टील की वॉल्यूम, 1% स्टील की वॉल्यूम है, 78.50 केजी से गुना करेंगे तो आपका डेंसिटी जैसे निकालते हो तो वहाँ पे 68 केजी आपके पास आता है, या फिर अप्रोक्सीमेट 80 केजी आपके पास आ जाता है बीम के लिए। उसके बाद हम निकाल लेते हैं स्लैब, तो स्लैब में हमें कितना स्टील चाहिए होता है, हमने यहाँ पे 49.20 क्यूबिक फीट निकाला था स्लैब की वॉल्यूम, तो स्लैब की वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट किया क्यूबिक मीटर के अंदर, तो क्यूबिक मीटर में हमने किया ये हमारे पास 1.39 क्यूबिक मीटर आपके पास स्लैब की वॉल्यूम है, ये आपकी पूरी स्लैब है 12x10 फीट की, तो ये हमारे पास कंक्रीट की वॉल्यूम या 5 इंची की गहराई है, तो इसमें हमने लिया था 49 क्यूबिक मीटर, तो कितना हुआ टोटल 1.39 क्यूबिक मीटर। अब इसमें से गुना कर लेंगे 0.75/100, जब हम दोनों को गुना भाग कर लेते हैं ये आपकी क्या निकल जाती है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो गुना करेंगे 7850 से, तो जब हम गुना भाग कर लेते हैं तो 81.33 अप्रोक्सीमेट 90 केजी आपको चाहिए होता है स्टील स्लैब के लिए। तो स्लैब के लिए हमारे पास जो थंब रूल था तो वो 70%, तो 0.7 to 1.0% तक हम इसमें अप्रोक्सीमेट इतना परसेंटेज स्टील लेते हैं। और फुटिंग के लिए बात करते हैं, जैसे हमने फुटिंग में यहाँ पे हमने दो दो फुटिंग निकाली थी, इसमें फुटिंग ऑफ कॉलम की होगी चार, तो चार कॉलम में फुटिंग हो गई अप्रोक्सीमेट, सपोज कीजिए आपके पास कोटी फुटिंग की जो वॉल्यूम आ गई हमारे पास है, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास सपोज कीजिए 3 क्यूबिक मीटर आ गई, तीन फुटिंग चार फुटिंग में, तो हमारे पास कितने है चार फुटिंग है, और चार फुटिंग की अप्रोक्सीमेट हमारे पास 3 क्यूबिक मीटर आपने निकाल ली, तो वो मैं फार्मूला से बताऊंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में कैसे हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं ट्रेपेज़ॉइडल फुटिंग और आइसोलेटेड फुटिंग की। तो इसमें हमारे पास वॉल्यूम कितना निकालते परसेंटेज 0.5% to 0.8% ये आपका थंब रूल हो गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है आपको 3 क्यूबिक मीटर आपने वॉल्यूम निकाला, तो अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं यहाँ पे 0.70, तो 0.70 क्योंकि अप्रोक्सीमेट है, तो रिटेल एस्टिमेट तो आप वहाँ पे जितना स्टील लगता है एज पर साइट ही निकालोगे, तो इसको 100 से भाग कर लेते हैं 7850 केजी से गुना कर लेते हैं, ये तो आपका तीन वॉल्यूम आपके पास कंक्रीट वॉल्यूम है, और ये 0.70/100 करते हैं तो ये आपके कंक्रीट स्टील की वॉल्यूम निकल कर जाती है। तो स्टील की वॉल्यूम को गुना करना है आपको डेंसिटी से, जैसे कि आपको डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है 1 मीटर क्यूब के अंदर जितना वॉल्यूम होता है कंक्रीट की उसमें होता है 7850 केजी, और सीसी जो होता है उसमें होता है आपका 2400 केजी, और आरसीसी जो होता है हमारे पास होता है 2500 केजी, उस ऐसे ही हम ये निकालते हैं। तो ये सिंपल निकालने के लिए आपके पास टोटल केजी हमारे पास स्टील रिक्वायर्ड रहेगा फुटिंग में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, तो आई होप आप टॉपिक क्लियर हो गया, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बीम प्लिंथ बीम के बारे में, कि एक वीडियो में मैंने देखा था कि प्लिंथ बीम के बारे में उन्होंने बताया था कि टॉप बार एंड बॉटम बार हमें कैसे लेना है, रिंग की स्पेसिंग क्या लेनी है, तो प्लिंथ बीम के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि हमें थंब रूल कैसे, मतलब कैसे हमें जो मिस्टेक्स होती है साइड पे, कैसे हमें मिस्टेक को फॉलो करके अपने स्टील बार को सही करवाना होता है, बट लेकिन हम उसके बेस पे मैं बताऊंगा एक नई वीडियो के अंदर में प्लिंथ बीम में जो टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट क्या आता है। देखिए टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट उन्होंने बताया था कि टॉप में आपका डाया ज़्यादा लेते हैं बॉटम में कम लेते हैं, बट लेकिन ये रॉन्ग मेथड है, अगर आप इस प्लिंथ बीम में ले रहे तो फिर आपको स्लैब बीम में भी यही लेना चाहिए, क्योंकि स्लैब बीम के नीचे जो बीम करते हैं वहाँ पर भी नीचे आपको ब्रिक वर्क ही करना होता है, प्लिंथ बीम के नीचे भी आप ब्रिक वर्क कर रहे हो। देखिए स्लैब बीम हो या फिर आपकी प्लिंथ बीम हो तो मेथड यही होता है सिंपल सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम, तो हाँ बस ये मेन डिफरेंस होता है कैंटिलीवर बीम के अंदर।
तो कैंटिलीवर में हमारे पास एंड, ये आपका कैंटिलीवर है और ये आपका फिक्स्ड बीम हो गई, फिक्स्ड बीम या सिंपल सपोर्टेड बीम। तो इसमें आपका जो लोड इफेक्ट करेगा इस तरह से करेगा, बट लेकिन हमारे इसमें क्या करता है इफेक्ट इस तरह से, तो लोड इफेक्ट यहाँ पे करता है जब बीम लोड आता है। तो इसमें आपका टेंशन जोन, जो आपका बीम का जो टेंशन जोन होगा वो आपका टॉप में होता है और कंप्रेशन बॉटम में होता है, क्योंकि जब इसमें लोड इफेक्ट करता है तो यहाँ से स्ट्रेस होना शुरू होता है, साइड से नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो सरिया है ऊपर के वाले जो सरिया है, जैसे इसमें बैंड ऐसे करेंगे तो ये वाले जो इतना अच्छे से इफेक्ट करेगा रहेंगे तो नीचे से ये खींचेगा नहीं, ये वाले जो सरिया है इसमें टेंशन ज़्यादा ऊपर से खींचेगा नहीं, क्योंकि टेंशन हमारे इस तरह से हो रहा है तो खींचने वाला टेंशन हुआ, ये सरिया टॉप का सरिया खींच रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास ये बीम का हो रहा है, बीम में ऐसे हो रहा है जब हमारे पास लोड इफेक्ट करता है तो ये इस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, टॉप में क्या हो रहा है, जब सरिया इसमें कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ये वाला कंप्रेशन हो रहा है, और ये बॉटम वाला इसको खींच रहा है, जो सरिया वाला नीचे से खींच रहा है इस तरह से, इस तरफ के अंदर की तरफ की खींच रहा है, टेंशन हो रहा है बॉटम में। तो इस वजह से बॉटम का सरिया ज़्यादा ही लेना है और टॉप में हमारा कम ही लेना है। तो वो रॉन्ग, उसको जो फॉलो कर ले इस मेथड को, प्लिन बीम में टॉप एंड बॉटम बार में, ठीक है। तो ये आपका थंब रूल है, अगर प्लिन बीम में आप ले रहे हो टॉप में तीन बार आके तो तीन बार बॉटम में, तो वो नो प्रॉब्लम। हमें इफेक्ट कहाँ पर करना, स्लैब में, क्योंकि नीचे तो आपका ऑलरेडी ब्रिक वर्क हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल के साथ जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप भी बोरो यंग हो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे थोड़ा डिटेल के साथ में प्लिन बीम में। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।